Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problem number 5 of R.D. Sharma, exercise 8.4, level 1. Question karta, find the roots of the following quadratic equation if they exist by method of completing a square. So, ye question apne aap mein thoda sa relatively alag question hai. Hum dekh lete hain kya hai. Sabse pehli baat to hum log jo hamesha baar baar main repeat kar raha hu, ab repeat karne ki zarurat nahi samajhta hu. कि जब भी एक्स स्क्वायर का टर्म के साथ कोई भी टर्म हो तो उसको हम लोग कॉमन लेके अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को फ्री कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मोटो है परफेक्ट स्क्वायर बनाना. तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट या माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं. तो हम टू सबसे पहले कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टू प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये क्या है, टू तो ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं होगा, तो ये ज़ीरो हो सकता है. प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो. तो अब क्या करते हैं, आप देखिए ये ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए वाला टर्म है, तो हम इसको आर्टिफिशियली टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. इधर एक्स टू तो टू से मल्टीप्लाई, देखिए टू टेस्ट टू कट गया तो ये वन अपॉइंट टू इन टू एक्स, तो हाफ एक्स प्लस ये पूरा टर्म जो है वो बी का टर्म के जैसा बिहेव करेगा. तो वन अपॉइंट फोर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन गया, लेकिन हमारा इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको कंपनसेट करने के लिए डिडक्ट कर लिए. प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो. अब देखिए एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन सिक्सटीन प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो. एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस सॉरी वन अपॉन सिक्सटीन माइनस टू, वन माइनस थर्टी टू अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू अपॉन सॉरी माइनस थर्टी टू अपॉन सिक्सटीन. इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थर्टी टू अपॉन सिक्सटीन. क्लियरली एक्स अगर कोई भी रियल वैल्यू होगा तो एक्स प्लस कोई भी टर्म का स्क्वायर होगा वो कम से कम जीरो होगा, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर या तो ग्रेटर या इक्वल टू जीरो होगा, निगेटिव नहीं होगा. निगेटिव है इसका मतलब इसका रियल रूट नहीं है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स. ठीक है, इनफैक्ट जब आप बड़े क्लास इलेवन क्लास में आइएगा तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फंडा आएगा, तो वहाँ पे इसका बेसिकली कॉम्प्लेक्स रूट है. यानी कि हम जो पॉलिनोमियल में सीखे हैं कि nth ऑर्डर का n रूट्स होता है वो सही है. एन रूट रियल और इमेजिनरी रूट होता है बेसिकली. तो जब जब रियल रूट नहीं होता है तब तब इमेजिनरी रूट होता है. जैसे कि आप अगर बचपन में देखे होइएगा एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. इसका अगर एक फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. अभी तक जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े हैं तब तक हम इसका एक रूट तो वन निकलता है और दो रूट तो अपने को पता होता नहीं है. ये दो रूट बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है रूट है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. तो इसीलिए हम लोग देखेंगे आगे, पहले तो अभी जो कर रहे हैं वो करें. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड.